Hello friend, in this video I am going to discuss about the aggregate functions used in the SQL. So in this video we are going to discuss about the syntax used in syntax for writing the aggregate functions. So there are five aggregate functions used in the SQL, that is min, max, count, average and sum. So one by one we are going to discuss the syntax for writing the minimum, maximum, count, average and sum. सो मिनिमम क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट. सो जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो हमेशा आपका एट्रीब्यूट पे लगता है. ये हम पर्टिकुलर कॉलम पे ही हम लगा सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन. सपोज मुझे यहाँ पे एक मैंने एक टेबल लिया है, दैट इज स्टूडेंट रिकॉर्ड. तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो मुझे एट्रीब्यूट पर्टिकुलर कॉलम वाले जो वैल्यू है, जैसे मार्क्स है, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर कॉलम पे ही लगा सकती हूँ दीज एग्रीगेट फंक्शन. अगर मुझे रो को पूरा रिकॉर्ड फेच करना है, एक पर्टिकुलर रोल नंबर का पूरा रिकॉर्ड कि रोल नंबर वन है तो उसका नेम क्या है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो कौन सी ब्रांच में है. सो वी हैव टू यूज द कंडीशंस, वेयर कंडीशंस अलॉन्ग विद द ग्रुप बाय एंड हैविंग कंडीशंस टू गेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड. बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम है उसमें से फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू यूज अ एग्रीगेट फंक्शन. सो मिनिमम वैल्यू मिनिमम का है, मीन्स वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट. सो सिंटेक्स फॉर राइटिंग द सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कॉलम नेम क्या हो गया, मार्क्स. कौन से टेबल से ले रहे हैं, फ्रॉम टेबल नेम क्या हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड. सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सो आउट ऑफ दिस अगर मेरे पास फर्स्ट रोल नंबर का 70 मार्क्स है, सेकंड 70 है, थर्ड 80 है, फोर्थ 55 है, अगर फिफ्थ 75 है और तो रोल नंबर फिफ्थ का रोल नंबर का 75 है, तो मिनिमम किसका है, रोल नंबर फोर का. तो रोल नंबर फोर के मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 55. तो वैल्यू क्या फेच होके आएगी, 55. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 55. तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 55. सो मैक्सिमम मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट. पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज गोइंग टू फेच फ्रॉम दिस सेलेक्ट कमांड यूजिंग द मैक्स फंक्शन. तो मैक्स फंक्शन के लिए क्या है, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम. कॉलम नेम क्या है, मार्क्स. फ्रॉम किस टेबल से लेना चाह रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड. रिकॉर्ड तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 80. रोल नंबर टू की वैल्यू कितनी है, 80. तो आंसर क्या आ गया, मार्क्स. नाउ काउंट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो काउंट है. काउंट का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यूज है एक पर्टिकुलर रिलेशन या टेबल में. तो वैल्यूज क्या हो गया कि सपोज करो क्लास में 65 है, तो काउंट क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही काउंट करते हैं. तो कितने नंबर ऑफ उसमें रोज प्रेजेंट है उस टेबल में, दैट इज नोन एज काउंट. तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. मैंने एक टेबल लिया एग्जाम्पल के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 5. तो 5 नंबर ऑफ रोज आ गई, तो काउंट कितना आ गया. अगर मुझे पूरा डेटा में से फेच करना है, काउंट स्टार, स्टार जो होता है वो ऑल के लिए होता है, पूरे टेबल के लिए कंसीडर करते हैं. तो सेलेक्ट काउंट फंक्शन स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड. तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 5. सपोज इन केस मैंने एक काउंट लिया, मुझे अब काउंट करना है, यहाँ पे रोल नंबर है, इस मार्क्स जो मार्क्स के टेबल में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो मेरी बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज आ रही है. तो रोल नंबर वन के भी 70 मार्क्स है, रोल नंबर टू के भी 70 मार्क्स है. तो अब मुझे ये वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है. तो सीक्वल में जो हमारा एक वर्ड होता है, दैट इज नोन एज डिस्टिंक्ट कीवर्ड. तो की हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट. अगर मैंने सेलेक्ट के साथ अगर यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट बाहर लिख दिया और काउंट अंदर लिख दिया ना, देन इट द सेम वैल्यू विल बिकम. तो जो मेरी 5 रिकॉर्ड्स है तो 5 ही रिकॉर्ड्स आएंगे. सो डिस्टिंक्ट हमेशा कब यूज करते हैं, कॉलम नेम के बाद. तो मैंने क्या लिखा, डिस्टिंक्ट. मुझे डिस्टिंक्ट क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए. कहाँ से चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड से. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने 5 में से 5 रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड्स में से क्या है,
फर्स्ट एंड सेकेंड रोल नंबर तो रिपीटेड आ रहा है, तो रिपीटेड को एक ही टाइम काउंट होगा, सो दैट देर शुड नॉट बी डुप्लीकेट. तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ जाएंगे? 4. जब हम बहुत ज़्यादा 65 रोल स्टूडेंट्स हैं सपोज करो क्लास में, तो एक ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट्स जो है 65 के 65 जो होते हैं वो सबके यूनिक मार्क्स आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे क्या होता है, एक रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे. 100 में से बहुत सारे स्टूडेंट के 44 मार्क्स आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के 45 मार्क्स आ रहे होंगे. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट रोल्स. हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें देखना है कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस रेंज में वो लाई कर रहा है. तो उसका काउंट दे देगा कि इतने नंबर ऑफ नंबर है जो आपके डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. सो और मिनिमम जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर हम मार्क्स बनाते हैं, तो हम क्या फाइंड, जब हम आपकी मार्कशीट्स बनाते हैं या फिर आपका डेटा कंपाइल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट पे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक इक्वल्स टू, जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू मिनिमम लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को, कॉलम नेम को ड्रैग करते हैं, या फिर इक्वल्स टू मैक्सिमम लिखते हैं, कॉलम नेम को ड्रैग करते हैं, यही लिखते हैं. एक्सेल शीट में हम ये से करते हैं, बट सीक्वल कमांड में हम क्या करते हैं, टू फेच अ पर्टिकुलर कॉलम वी हैव टू राइट द कमांड और क्वेरीज यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट स्टेटमेंट से लिखते हैं कौन सा फंक्शन, अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो सेलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, अगर मैक्सिमम करना है सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम, काउंट करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, डिस्टिंक्ट करना है तो वी हैव टू राइट द वर्ड डिस्टिंक्ट अलॉन्ग विद द कॉलम नेम. डिस्टिंक्ट कौन सा कॉलम पे चाहिए उससे पूरा फेस हो जाएगा. नाउ वी हैव टू राइट, नाउ द नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन इज सम. सम का मतलब क्या होता है, हमें पूरा, जैसे अब पूरे रोज का सम चाहिए. अब इसमें क्या आएगा, सम का क्या, सेलेक्ट सम कॉलम नेम, कॉलम नेम मीन्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड. तो हमारा क्या सम आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, 70 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50 55. तो इसका जितना भी होगा वो आ जाएगा. यहाँ पे दोनों बार अगर 70 70 है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं किया रहा, तो मुझे पूरा सम आएगा. मीन्स जितने भी स्टूडेंट है, चाहे उसका रिपीटेड है, नॉन वन रोल नंबर के और सेकेंड रोल नंबर के, दोनों के 70 मार्क्स है, तो हमें क्या करना है, दोनों बार प्लस करना है. अगर वर्ड में की वर्ड यूज कर रही हूँ डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टिंक्ट में 70 प्लस 80 प्लस 55. तो यहाँ पे ये चीज प्लस होगा, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड से एक ही बार काउंट हो रहा है. इट रिमूव द डुप्लीकेट, और वी कैन यूज इट, डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक वैल्यूज को लेगा. तो 70 एक ही बार आया, 70 प्लस 80 प्लस 55. नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज. तो एवरेज कैसे निकालना है, सेम सिंटेक्स, वी हैव टू राइट द वर्ड एवरेज है. तो सेलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. अगर वी हैव टू फाइंड द डिस्टिंक्ट एवरेज, वी हैव टू फाइंड सेलेक्ट एवरेज डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन. दिस इज अ वेरी सिंपल सिंपल थिंग इन द सीक्वल, बट वी ऑल शुड नो वट इज एग्रीगेट फंक्शन, वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, एंड वट इज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग द एग्रीगेट फंक्शन, सिंटेक्स फॉर राइटिंग द एग्रीगेट फंक्शन इन द सीक्वल. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द सिंटेक्स एंड सिंटेक्स ऑफ ऑल दिस एग्रीगेट फंक्शन. थैंक यू.